दोस्तों, जैसे कि आप सभी ने वीडियो के थंबनेल एंड दोस्तों टाइटल में भी आप लोगों ने देख ही लिया होगा, जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा बिग बिलियन सेल दोस्तों स्टार्ट हो चुका है। एंड स्टार्ट होने के बाद मेरे पास काफ़ी लोगों का कमेंट्स आ रहा था, रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर हम कोई मोबाइल फ़ोन लेना चाहते हैं लेकिन हमारे पास जो है क्रेडिट कार्ड नहीं है, ओनली ऑन हमारे पास डेबिट कार्ड है, तो सर हम किस तरीके से डेबिट कार्ड की मदद से जो है हम लोग EMI के अंदर जो है मोबाइल फ़ोन को ले सकते हैं, किस तरीके से खरीद सकते हैं, उसको लेकर के कोई वीडियो बनाइए। तो आज का जो वीडियो है दोस्तों आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको लाइव अभी जो है बाय करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से दोस्तों हम लोग नॉर्मल सा दोस्तों ATM कार्ड से दोस्तों हम लोग किस तरीके से मोबाइल खरीदेंगे, पूरा मैं प्रोसेस आपको कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो किस तरीके से दोस्तों हम लोग ले पाएंगे पूरी जानकारी अभी तो दोस्तों YouTube पे अभी आपको काफ़ी तरीके का वीडियो देखने को मिलेगा, लेकिन काफ़ी लोग का कहना है कि सर हमें जो है समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से हम लोग मोबाइल लें, एंड हमें जो है डेबिट कार्ड का ऑप्शन नहीं आ रहा है, एंड हमारे पास जो है इस तरीके का ऑप्शन नहीं आ रहा है, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं शो कर रहा है, तो प्लीज़ सर हमें बताइए। तो चलिए मैं आपको पूरा जानकारी मैं देता हूँ दोस्तों कि किस तरीके से हम लोग फ्लिपकार्ट के अंदर नॉर्मल सा दोस्तों ATM कार्ड का यूज़ करके हम लोग मोबाइल फ़ोन किस तरीके से खरीद सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको पूरा प्रोसेस बताते हैं दोस्तों स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए आगे देखते हैं इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल को प्ले स्टोर में जाना है और यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले सर्च करना है फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन, और आपको इस एप्लीकेशन को सबसे पहले अपडेट कर लेना है, क्योंकि दोस्तों काफ़ी चीज़ यहाँ पर चेंजेस हो चुके हैं दोस्तों, फ्लिपकार्ट के अंदर काफ़ी चीज़ अपडेट हो चुका है। तो आपको दोस्तों यहाँ पर मैं जो भी प्रोसेस बताऊँगा बिल्कुल न्यू वर्जन में आपको मैं प्रोसेस बताऊँगा, ताकि दोस्तों आपको सारा चीज़ समझ में आ सके। एंड अगर दोस्तों आपका लेटेस्ट वर्जन नहीं रहता है तो यहाँ पर मैं जो आपको दिखाऊँगा हो सकता है दोस्तों वो ऑप्शन आपको ना शो करके दूसरा ऑप्शन शो करे, तो बस ध्यान से देखना और अच्छी तरीके से पूरा स्टेप बाय स्टेप देखना। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए, सबसे पहले अगर आप लोगों ने दोस्तों लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, लाइक का टारगेट दोस्तों हम रखते हैं 500 लाइक, उम्मीद है दोस्तों आप लोग कंप्लीट करा दोगे, ठीक है 500 लाइक का कंप्लीट टारगेट रख रहा हूँ। आप लोग के आगे दोस्तों 500 तो कुछ भी नहीं है, ऐसे तो मैं 5000 भी बोल सकता था, लेकिन आप लोग से ज़्यादा नहीं मांग रहा दोस्तों, सिर्फ ओनली ऑन दोस्तों आप 5000 इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड आपको दोस्तों इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है और सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पे क्लिक करना है, और उसके बाद दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर जो आपको लिख के आ रहा है दोस्तों डिस्क्रिप्शन, इसके ऊपर मैं आपको दोस्तों इस तरीके से क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको एक लिंक मिलेगा, जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर जो है आपको हमारे दोस्तों व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिलेगा। इससे क्या होगा दोस्तों कि कोई भी दोस्तों ऑफर वगैरह आएगा, कोई भी दोस्तों बिग बिलियन के अंदर जो भी ऑफर आएगा एंड दोस्तों ATM कार्ड के अंदर जो भी मोबाइल यहां पर आपको मिलेगा उसका लिंक मैं यहां पर दोस्तों आपको अपने जो है व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मैं शेयर करूंगा, तो आप लोग दोस्तों लिंक पे क्लिक करना इस तरीके से और लिंक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। इस तरीके से दोस्तों आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप को दोस्तों ज्वाइन कर लेना चैनल को। इस तरीके से आने के बाद यहाँ पर आपको जो फॉलो का जो बटन दिख रहा है दोस्तों आपको इस फॉलो के बटन को दबा देना है। अभी दोस्तों मैंने न्यू बनाया है और यहाँ पर मैंने दो लिंक शेयर भी कर दिया है, तो चलिए मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाता हूँ। आप लोग दोस्तों जरूर से जरूर ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, आपके लिए दोस्तों फायदा होने वाला है। उसके बाद फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद दोस्तों आपको सबसे पहले दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर लिख करके भी आ रहा है सेल दिस लाइव, यानी कि दोस्तों लाइव यहाँ पर हो चुका है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको मोबाइल फ़ोन जितना भी लेना है, याद रखना दोस्तों कि आपको जो है 5000 से 7000 से ऊपर का प्रोडक्ट लेना है, तभी जाकर के दोस्तों आप ATM कार्ड की मदद से ले पाओगे, यानी कि दोस्तों कम का आपको नहीं लेना है, कम से कम 5000 से ऊपर का आपको यहाँ पर प्रोडक्ट बाय करना है। तो यहाँ पर दोस्तों नॉर्मल से आपको सर्च बार में जाना है, यहाँ पर दोस्तों सर्च में जैसे जाएंगे और जाने के बाद यहाँ पर दोस्तों जो भी मोबाइल फ़ोन आप लेना चाहते हैं वो मोबाइल फ़ोन यहाँ पर आप सर्च करेंगे, या दोस्तों मोबाइल फ़ोन आप लेना चाहते हैं या दोस्तों कोई भी गैजेट वगैरह लेना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सर्च करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे हो गया दोस्तों फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, जो भी सामान दोस्तों आप लेना है यहाँ पर ले सकते। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जैसे हम आते हैं, आने के बाद हमारे पास इस तरीके का काफ़ी सारे फ़ोन्स निकल के आ जाता है, जो भी दोस्तों मोबाइल आपको लेना है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जैसे कि नॉर्मल से दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, सिर्फ यहाँ पर मैं बाय करके दिखाता हूँ सारा चीज़ आपको, ताकि समझ में आ सके। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी F13, यानी कि दोस्तों ये मोबाइल जो है 14000 रुपये का भी इसका दाम था 15000, ये दोस्तों 9000 यानी कि 9200 रुपये में मुझे मिल रहा है, तो मैं इसको लेना चाहता हूँ, तो इसके ऊपर में दोस्तों हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हम जैसे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, बस ध्यान से आप लोग देखना, कोई बड़ा बात नहीं है दोस्तों, बस सिंपल प्रोसेस है, आपको बस फॉलो करना है और आपको यहाँ पर जो है आपको बेहद ही आसानी से मोबाइल यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये मोबाइल मेरा जो है मैंने यहाँ पर पूरा देख लिया, अच्छी तरीके से मैंने फॉलो भी कर लिया। एंड यहाँ पर दोस्तों जो भी स्टोरेज वगैरह आपको देखना है या जो भी आपको लेना है यहाँ पर स्टोरेज वगैरह आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि दोस्तों 10000 रुपये का बजट में दोस्तों 128 GB मेरे हिसाब से दोस्तों बेस्ट फोन है। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, जस्ट यहाँ पर बाय के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इस तरीके से। लेकिन बाय करने से पहले दोस्तों आपको यहाँ पर एक चीज़ को ध्यान रखना है कि जो भी दोस्तों मोबाइल फ़ोन आप ले रहे हैं उस मोबाइल फ़ोन को दोस्तों यहाँ पर आपको चेक करना है
कि दोस्तों यहाँ पर जो है आपको ये मोबाइल जो है अवेलेबल ईएमआई के अंदर है या नहीं है, यानी कि दोस्तों लोन के लोन लोन हमारा दोस्तों ये मोबाइल हो सकता है या नहीं हो सकता। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते लिख करके आ रहा है, देख सकते नो कॉस्ट ईएमआई, यानी कि दोस्तों ईएमआई के लिए अवेलेबल दिखा रहा है। तो उसके लिए दोस्तों हम यहाँ पर क्या करेंगे, व्यू प्लान में क्लिक करेंगे। व्यू प्लान में दोस्तों जैसे हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारे पास इस तरीके का इंटरफेस आ चुका है दोस्तों। अब यहाँ पर जो है हमें काफ़ी तरीके का ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन देखने को मिल रहा है, एंड यहाँ पर दोस्तों पे लेटर से भी हम लोग मोबाइल ले सकते हैं, एंड उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है क्रेडिट कार्ड वगैरह दिखाया जा रहा है, लेकिन दोस्तों हमें डेबिट कार्ड से लेना है। तो डेबिट कार्ड से दोस्तों मोबाइल लेने के लिए आपको यहाँ पर नॉर्मल से क्या करना होगा, आपको दोस्तों बाय के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो चलिए यहाँ पर मैं इसको कट करता हूँ और बाय के ऑप्शन पर मैं क्लिक कर देता हूँ, इस तरीके से बाय नाउ के ऑप्शन पर क्लिक कर। अब जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पर बाय नाउ में क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पर दोस्तों हमें कुछ आइटम को ऐड करने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन दोस्तों हम यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम इसको जो है स्किप कर देते हैं। आप लोग दोस्तों जो भी चाहो आप यहाँ पर जो है यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जैसे कि कवर वगैरह। तो यहाँ पर दोस्तों हमें नॉर्मल सा सिर्फ और सिर्फ एटीएम कार्ड से हमें लेना है और हमें कोई भी सामान यहाँ पर ऐड नहीं करना है। तो यहाँ पर दोस्तों हम स्किप टू कंटिन्यू में क्लिक कर, उसके बाद दोस्तों आपका पूरा दोस्तों डिलीवर एड्रेस आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों जो भी आप सामान ले रहे हैं दोस्तों यहाँ पर जो है आपको अपना जो है ओपन बॉक्स डिलीवरी मिलेगा, यानी कि सारा चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, फिर से अगर आपका दोस्तों पे लेटर एक्टिवेट नहीं है तो आपके सामने इस तरीके का पेज शो करेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन मिलेगा, देख सकते हैं यहाँ पर मुझे एक ऑप्शन मुझे मिल रहा है, देख सकते हैं पेमेंट ऑप्शन में ही मुझे ऑप्शन मिल रहा है, 1 2 3 4 5 पांचवें नंबर में दोस्तों मुझे एक ऑप्शन मिल रहा है ईएमआई इजी इंस्टॉलमेंट, एंड यहाँ पर दोस्तों मुझे जो है एक नीचे ऑप्शन मिल रहा है, देख सकते हैं गेट डेबिट कार्ड, एंड दोस्तों यहाँ पर जो है डेबिट कार्ड ईएमआई, इसमें हम क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद कंटिन्यू करते हैं। अब जैसे ही हम कंटिन्यू में क्लिक करेंगे आपके सामने दोस्तों इस तरीके का पेज हमारे सामने निकल के आ जाता है। अब यहाँ पर काफ़ी लोग बोलेंगे कि सर हमें जो है डेबिट कार्ड का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं अब यहाँ पर काफ़ी लोग बोलेंगे मुझे पता है ठीक है कि सर आपका तो क्रेडिट कार्ड शो कर रहा है, यहाँ पर क्रेडिट कार्ड ईएमआई, ठीक है यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं क्रेडिट कार्ड ईएमआई शो कर रहा है। तो हम नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे इस तरीके का, नीचे स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमें जो है इस तरीके का ऑप्शन नीचे शो कर देगा, HDFC बैंक डेबिट कार्ड। अब यहाँ पर दोस्तों मैं डेबिट कार्ड में क्लिक करता हूँ, अब जैसे दोस्तों यहाँ पर मैं डेबिट कार्ड में क्लिक करता हूँ तो हमारे सामने दोस्तों इस तरीके का आ चुका है, और यहाँ पर दोस्तों आने के बाद आपके सामने इस तरीके का शो कर देगा, देख सकते हैं HDFC बैंक डेबिट कार्ड। अब दोस्तों आपको ये कार्ड के ऊपर चेक करना होगा कि आपका दोस्तों EMI के लिए अवेलेबल है या नहीं है। तो उसके लिए दोस्तों आपको जो है मैसेज बॉक्स में जाना है, और अगर आपका अवेलेबल रहा तो यहाँ पर आपको शो कर देगा, आपको चूज प्लान में क्लिक करना है और यहाँ से दोस्तों आपको बाय कर लेना है। अगर आपका नहीं है दोस्तों तो आपको ऑफर सबसे पहले चेक करना होगा EMI के लिए ऑफर है या नहीं, तो उसके लिए आपको मैसेज बॉक्स को ओपन करना है। तो दोस्तों आपको मैसेज बॉक्स में जाना है, और जाने के बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है 57, उसके बाद दोस्तों 57 और यहाँ पर दोस्तों 5, और आपको दोस्तों यहाँ पर जो है लिख देना है सिंपल सा DCEMI, और यहाँ पर दोस्तों आपको सेंड कर देना है। सेंड जैसे करोगे तो आपके पास दोस्तों एक कॉन्ग्रेचुलेशन करके मैसेज आएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं मुझे यहाँ पर रिप्लाई मैसेज मिला है, योर कॉन्ग्रेचुलेशन हैज बिन एलिजिबल EMI डेबिट कार्ड। अब दोस्तों आपके पास जो भी आपका ATM कार्ड रहेगा उसके अंदर में दोस्तों ये शो कर देगा। अगर आपका दोस्तों सॉरी लिख करके आता है तो समझ आए दोस्तों आपका डेबिट कार्ड के लिए दोस्तों अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों आपको जो है आप अपना दूसरा तरीका देख लेना मोबाइल फ़ोन को खरीदने के लिए। फिलहाल दोस्तों यही तरीका था जो मैंने आपको इस वीडियो में कवर किया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलता है नेक्स्ट वीडियो।